19 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का निर्विरोध नया अध्यक्ष चुना जाना तय है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों को तय करने के लिए CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 20 नवंबर को 10:30 बजे बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात चुनाव के पहले राहुल गांधी की ताजपोशी हो जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीख तय की जाएगी। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से लेकर उम्मीदवारों के नामांकन से लेकर नाम वापसी और मतदान की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अध्यक्ष पद के लिए PCC यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वोट करते हैं। हालांकि कांग्रेस में नए अध्यक्ष का जो चुनाव होने जा रहा है वो महज औपचारिकता है, क्योंकि राहुल के सामने किसी और के उम्मीदवार बनने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा ताजा संगठनिक चुनाव के बाद नई चुनी गई प्रदेश कमेटी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास कर चुकी है। कांग्रेस को इस साल के अंत तक संगठित चुनाव पूरा करना है। नए अध्यक्ष के चुने जाने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी SICC के अधिवेशन में इस पर मुहर लगेगी और नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनी जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी पार्टी में फैसले लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। फिलहाल 1998 से सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष है। 47 साल के राहुल गांधी 2004 से संसद में उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस तरह गुजरात चुनाव के पहले राहुल की ताजपोशी होने वाली है, ऐसे में गुजरात चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम हो जाता है। पिछले दिनों राहुल ने गुजरात में जमकर प्रचार किया और अब टिकटों को अंतिम रूप देने में लगे हैं।